अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन। मतलब इनपुट डिवाइसेस है जैसे कि माउस, कीबोर्ड वगैरह, जो स्क्रीन पर पॉइंट करते हैं चलने के लिए। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI टू कमांड बाय सेलेक्टिंग आइकन्स। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल ऑन स्क्रीन मूवमेंट। मतलब जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है जैसे माउस का जो कर्सर होता है वो हमारे स्क्रीन पर वो यूज़ होता है स्क्रीन पर यूज़ करने के लिए। जैसे कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम वो कर्सर का इस्तेमाल करेंगे। अब GUI क्या है? GUI डिस्प्लेज अ कन्वे मैसेज ऑन स्क्रीन विच हैव इंफॉर्मेशन लाइक दिस एंड रिप्रेजेंट्स एक्शन दैट कैन बी टेकन बाय अ यूज़र। तो ये है पॉइंटिंग डिवाइसेस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। पॉइंटिंग डिवाइसेस एग्जांपल है जैसे माउस का कर्सर, और GUI है जैसे अगर कोई एरर आ जाए तो वो जो रेक्टेंगल बॉक्स आता है और उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और नीचे से ओके वाला बटन दबा हुआ लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं GUI डिस्प्ले। और ये जो चीज़ें हैं, दी फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स पॉइंटिंग डिवाइसेस। एग्जाम्पल है माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट एंड लाइट पेन। ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और पार्ट 1, 2, 3 और 4 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको जो अगली वीडियो है वो उसमें आप नोटिफाइड हो जाएँ। फिर तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।